क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए, बी फार्मा 5वां सेमेस्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, गलती से यहाँ 6 लिख गया है। 5वें सेमेस्टर में एक टॉपिक है, सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस, उसमें ऑलमोस्ट सब पढ़ा चुके हैं। यूनिट नंबर 5 में कुछ टॉपिक रह गए थे, आज हम लेक्चर नंबर तीसरा यानी चैप्टर नंबर तीसरा डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ क्योरलिटी टू एनिमल एक्ट 1960। देखिए दोस्तों, आपको पता है जितने भी वैक्सीन का ट्रायल, जितने भी दवाओं का ट्रायल, पूरा का पूरा प्री क्लिनिकल ट्रायल, यहाँ तक कि जब आप लैब में काम करते हैं और अपने कॉलेज के, तो वहां भी आप चूहों पे ट्रायल, दवाओं का ट्रायल करते थे। ये सब पहले होता था, अब बंद हो गया है, वो सब सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं। तो क्यों बंद हुआ? क्योंकि 1960 में कानून था जिसको अब कड़ा कर दिया गया है, इसका नाम था द प्रिवेंशन ऑफ क्यूरलिटी टू एनिमल एक्ट। यानी किसी भी तरह से आप किसी भी जानवर को प्रताड़ित नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जानवरों के प्रेमी लोग आगे आए, उन्होंने कहा कि नहीं, अपने फायदे के लिए जानवरों को नुकसान करना, उनको दर्द देना, उनको पीड़ा देना अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने इस कानून के लिए सरकार से आग्रह किया, बहुत सारे आंदोलन किए। तो भारत सरकार ने 1960 में इस कानून को पास किया जिसका नाम था द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, यानी जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने का कानून। चलिए इसको समझ लेते हैं, इस कानून में क्या क्या हम लोग खास खास बात देखनी है। कुछ फोटोज हमारे सामने है, लैब में हम लोग चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बंदर, चूहे, सुअर, इन सब पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, कुत्तों पे, और उनको मारा जाता है। तो इसलिए इस कानून को लाया गया था। ऑब्जेक्टिव की हम बात करते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट द इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन और सफरिंग ऑफ एनिमल्स एज वेल टू प्रिवेंट क्रुएल्टी। किसी भी प्रकार के से जानवरों पर जो निर्दयता होती है, जो अत्याचार होते हैं, उन्हें दर्द दिया जाता है, उसको रोकने के लिए इस कानून को लाया गया था। एनिमल क्या है? एक इंसान की तरह, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि जानवर जो है वो इंसान की तरह ही बनाया, भगवान का बनाया हुआ एक सुंदर क्रिएचर है। क्रुएल्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसा बिहेवियर जो किसी को अननेसेसरी दर्द दे, पहचान पीड़ा दे, उसे हम उसको क्रुएल्टी या क्रूरता कहते हैं, हिंदी में क्रूरता कहते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, इसके ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए ये कौन लोग फॉलो करेंगे भाई? जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग कब तक देखेंगे? तो वो आंदोलन जो कर रहे हैं इसको कौन संभालेगा? इसके लिए भारत सरकार ने एक बोर्ड बनाया जिसे कहते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे हम हिंदी में कह सकते हैं जानवर वेलफेयर, क्या कह सकते हैं उसको हम, संरक्षण, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको ने इसने बनाया है, जिसका मेन पर्पस पहला है कि एनिमल वेलफेयर को बनाना, दूसरा एनिमल को अननेसेसरी पेन क्रुएल्टी से सफर से बचाना। इसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है और कुछ और मेंबर्स होते हैं। इस बोर्ड का मेन फंक्शन क्या है, मैं आपको मोटा मोटा कुछ 8-9 फंक्शन बताऊंगा, बारी बारी से देख लेते हैं। पहला फंक्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहना बीच बीच में, भैया जो आपने कानून बनाया है ठीक है, उसका पालन हो रहा है, या आप कानून में और सुधार करिए। दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून में सुधार के लिए, कुछ नए नए एडमेंडमेंट के लिए लगातार उसको समझाते रहना कि कैसे आप एक्सपेरिमेंट करके कैसे आप जानवरों को बचा सकते हैं। गवर्नमेंट को अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में, फैसिलिटी डिजाइन के बारे में भी कौन बताता है? यही बोर्ड सरकार को बताती है। टेक स्टेप्स फॉर एमिलियोरेशन ऑफ एनिमल्स बाय शेड, वाटर, थ्रो एटीसी, यानी जितने भी जानवर पालतू जानवर होते हैं उन्हें कैसे संरक्षण दिया जाए, उनकी देखभाल कैसी की जाए, उनको पानी पीने की व्यवस्था, उनके छावनी कैसी हो, इस सब का भी सुझाव कौन देता है? यही बोर्ड देता है। इनकरेज फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर्मेशन ऑफ रेस्क्यू होम एनिमल शेल्टर फॉर ओल्ड एनिमल्स, जो जानवर अब मान लो दुधारू जानवर हैं, जो अब दूध नहीं देते हैं, उनको आप छोड़ ना दीजिए, गांव में जाइए, खेतों में पड़े रहो, मरे रहो, ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए फिर रेस्क्यू करना, उनको संरक्षण देना, उनको बचाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना भी ये बोर्ड ये गाइडलाइन जारी करता है। टू कॉपरेट विद एसोसिएशन एस्टेब्लिश फॉर द सेम, और इसके लिए जो संगठन है, जो एनजीओ है, जो समाज में हम लोग काम करते हैं उनके साथ जुड़ के उनको फंडिंग देना, इस मान लीजिए कोई एक एनजीओ है जो जानवरों की सेवा करता है, तो उसको संरक्षण देना, उसको फंडिंग देना का काम भी ये काम करता है, ठीक है। टू एडवाइस गवर्नमेंट ऑन मेडिकल केयर, जानवरों के रख रखाव, उनके इलाज के लिए भी सरकार को ये समय समय पर अपनी सूचनाएं भेजता है, उनको एडवाइस करता है। एजुकेशन, जानवरों से रिलेटेड जो वेटनरी एजुकेशन होता है, पोस्टर्स होते हैं, बुक्स होते हैं, उसको लॉन्च करना भी इसका काम होता है, और एनिमल के वेलफेयर के बारे में सरकार को एडवाइस देते रहना इसका प्रमुख काम है। एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें, जानवरों पे किस किस तरह के एक्सपेरिमेंटेशन होते थे, उपचार होते हैं, जैसे कि वैक्सीन बन रहा है, सीरा बन रहा है, हार्मोन्स बन रहे हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बन रहे हैं, इन सब के लिए लोग जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और तो इस पे आपको जानवरों के उपयोग कम से कम रखना है, उसके का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जो एक्सपेरिमेंटेशन करता है एनिमल में। उस कमेटी में होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर, ध्यान समझिएगा। जो एक कमेटी है जिसको, जो एक्सपेरिमेंटेशन का काम करते हैं एनिमल्स पे, उस पे दो तरह के मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड जो नामित होते हैं सरकार के द्वारा, और इलेक्टेड जो चुन कर आते हैं।
तो नॉमिनेटेड में दो मेंबर आईसीएमआर से होते हैं, दो मेंबर आईसीएआर से होते हैं, दो मेंबर सीएसआईआर से होते हैं, दो मेंबर जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी से होते हैं किसी भी वेटनरी की डिग्री वाले, और जो पांच मेंबर होते हैं वो किसी भी सरकार जो संगठन वाले एनजीओ होते हैं जो समाज सेवा में लगे हैं जानवरों को बचाने के लिए, उनमें से पांच मेंबर लेते हैं। इलेक्टेड मेंबर एक लोकसभा से एक राज्यसभा से जो सरकार चुन करके भेजती है, ठीक है। बाकी जो कमेटी बनाई गई है उसका रोल क्या है, तो इसका केवल क्या है कि जो इस पूरे कमेटी का जो हेड ऑफ रिस्पॉन्स इंस्टीट्यूट होता है, एचओडी होता है, उसका काम क्या है कि जो भी उसके एक्सपेरिमेंट हो रहा है जानवरों के ऊपर उसको ध्यान देना कि जानवरों को कोई नुकसान ना हो, उसके कोई क्रुएल्टी ना हो, किसी प्रकार का शोषण ना हो। एक्सपेरिमेंट हमेशा जानवरों को जब भी किया जाए तो उनको प्रॉपर एनेस्थाइज करके, ऐसा नहीं कि जानवरों को जिंदा ही है मतलब बेहोश नहीं है और आपने सुई लगा दिया, आपने काट दिया और वो तड़प रहा है, ऐसा नहीं। हमेशा ध्यान दीजिए कि वो एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जाए ताकि उससे कोई नुकसान ना हो, उससे कोई जानवर को पीड़ा ना हो, इस तरह से एक्सपेरिमेंट हो सके। अगर एनिमल को किसी भी एक्सपेरिमेंट तुरंत अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो तुरंत उसके एनेस्थेटिक उसको दे करके और उसके इलाज की सुविधा दी जाए, ये भी काम इस कमेटी का है, इसका रोल है। एक्सपेरिमेंटल है जो कि बुक्स मॉडल या फिल्म से जो चीजें हो सकती हैं अस्पतालों में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, इन सबको पूरी तरह से बंद कराया जाए, वहां पे सॉफ्टवेयर के द्वारा काम कराया जाए। लार्ज एनिमल जो है वो किसी भी स्मॉलर एनिमल, अगर एनिमल है, अगर कोई भी छोटा एनिमल से काम हो सकता है तो बड़े एनिमल की लीजिए। मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट चूहे पे हो सकता है तो उसके लिए हमें सुअर या घोड़ा या गधा या खरगोश लेने की जरूरत नहीं है, ये काम भी इस कमेटी का है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल और एनिमल्स है वो हमेशा कभी भी रोज के रोज उसको प्रैक्टिस पे नहीं करना, जब बहुत जरूरत हो तभी यूज करना है। एक्सपेरिमेंटल हमेशा एक अच्छे देखभाल के साथ की जाना चाहिए और प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड उसका मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आप काम कर रहे हैं, कमेटी भी क्या करता है कि इसके साथ साथ दोस्तों कमेटी जो है वो ऑफिसर नियुक्त करता है। वो ऑफिसर क्या करता है, कभी भी किसी भी प्रोमाइसिस में जाके जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं एनिमल पे, वो जा करके जांच कर सकता है, पड़ताल कर सकता है, और अगर कोई दोषी पाया जाता है जो प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहा है, जानवरों को तकलीफ दे रहा है, उसको वो दंड कर सकता है और उसका लाइसेंस भी निरस्त कर सकता है। ये उस इंस्पेक्शन वाले ऑफिसर के पास पावर होती है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल यानी कि किसी भी एनिमल को रोक सकता है, अगर वो कंसर्न ऑफिसर जो है कमेटी को लेटर भेजेगा कि भैया फलाने सेंटर में गया था, वहां पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, जानवरों को मारा जा रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, तो वो उस सेंटर को बंद करा सकता है लेटर लिख के, उस इंस्टीट्यूट को कैंसिल करा सकता है, इतनी उसके पास पावर होती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे ये प्रोविजन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मॉडल में ऑन रिपोर्ट, वो रिपोर्ट भेजेगा कंसर्न ऑफिसर जो है कमेटी को, और कमेटी एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसको लाइसेंस को निरस्त कर सकती है या ये काम कर सकती है। बस एक बहुत छोटा सा टॉपिक था कि कैसे होता है, क्या कानून है, तो मोटा मोटी बात यह थी कि कानून कब बना, वेलफेयर बोर्ड के काम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसके कमेटी में कितने कितने मेंबर होते हैं, और इनका स्पेंसर कैसे होता है। बस इतना ही पढ़ना है दोस्तों, बस एक आध दो टॉपिक और बचा है, इसको भी पढ़ के हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। जो स्टूडेंट्स को पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।